हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये शेयर के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये एकमात्र शेयर है जो अभी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक बसेस बनाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले देख लेते हैं हम आज की पोजीशन क्या रही हमारी आज के दिन में। पोजीशन आज के दिन हमने अदानी एंटरप्राइजेस रहा, अदानी मतलब बजाज ऑटो लो, डिक्सन लो, लक्स इंडस्ट्री लो, सब में अच्छा खासा लॉस किया है। और आज के दिन में हमें 12,000 का लॉस हुआ है। तो ये तो चलो, ये तो होता रहता है। अगर इंट्राडे ट्रेड आप कर रहे हो तो इतना मार्जिन आपको रख के ही चलना पड़ता है। मैंने इतना रखा है, इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं मेरे प्रॉफिट के हिसाब से चलता हूँ। अभी देखो, मुझे लॉस भी हुआ तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैं अपने वीडियो में दिखाता रहता हूँ किस प्रकार से मुझे प्रॉफिट होता है। तो एक दिन लॉस हो गया तो कुछ उसका टेंशन नहीं लेने का। अभी आ जाते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे। इसमें आप देख सकते हो, तो लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेवी सेलिंग आया ऊपर के लेवल से, ये बहुत ज़्यादा नीचे आया है। तो इसमें इनसाइडर ट्रेड हुआ है, ठीक है, इनसाइडर ट्रेड हुआ है। और कंपनी के जो प्रमोटर है, खुद प्रमोटर ने ही कंपनी के शेयर बेचे हैं। तो ये एक आप बोल सकते हो नेगेटिव न्यूज़ है ओलेक्ट्रा के लिए। तो अभी मैं सीधा आपको वो जो इनसाइडर ट्रेड हुआ है, कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड SAST डिस्क्लोजर फॉर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये न्यूज़ कब की है? ये न्यूज़ है मार्च 25, 2021, मतलब जो कल का ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो ट्रिनिटी इंफ्रा वेंचर लिमिटेड, इन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, ट्रिनिटी इंफ्रा वेंचर, ये जो प्रमोटर है, उन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर्स सेल किए हैं, जो बड़ी क्वांटिटी उसमें। अभी देख सकते हो आप वो कैसे हुआ। ये देखो, ये तारीख कब है, 25 मार्च, मतलब कल की तारीख। इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब प्राइस 215 रुपये था, 215 पे इन्होंने 38,000 शेयर बेचे, ठीक है। 215 रुपये 70 पैसे पे इन्होंने 38,000 शेयर बेचे। और जब 38,000 शेयर बेचने के बाद ऑब्वियसली प्राइस तो नीचे गिरना ही है, तो जब वो प्राइस 209 पे आया, 209 रुपये 80 पैसे पे, यहाँ पे उन्होंने 50,000 शेयर बेच दी। तो ये कितने हो गए, 88,223 शेयर कुल ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में शेयर्स बेचे गए हैं। और वो भी कौन बेचा है, प्रमोटर ने बेचा है। ऐसे ही नहीं कि कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई इंडिविजुअल, मतलब कोई रिटेल इन्वेस्टर हो, ऐसा भी नहीं। प्रमोटर ने यहाँ पे शेयर्स बेचे हैं। और एक दिन नहीं होगा, अभी 25 मार्च, ये एक ही दिन नहीं, देखो 19 मार्च को भी इन्होंने 50,000 शेयर बेचे हैं, फिर 19 मार्च को इन्होंने 83,800 शेयर बेचे कुछ, और 1 मार्च को इन्होंने 25,000 शेयर बेचे। ये देखो मोड क्या है, मार्केट सेल, मार्केट सेल, मार्केट सेल, और ये भी सेल और सेल, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये फिलहाल ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में चल रहा है। अभी ये जो चीज़ है, अभी मुझे अगर कोई पूछे कि ऐसे शेयर में आप रहोगे कि नहीं रहोगे, या मैं पोजीशन होल्ड करूँ क्या, तो मेरी एक ही सलाह होगी, नहीं। इसमें से अभी अगर आप प्रॉफिट में हो तो यहाँ से जल्द निकल जाओ। और देखो, ऐसे सिचुएशन में बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि ये शेयर प्रमोटर बेच रहे तो कौन खरीद रहा, FIs खरीद रहा, DIs खरीद रहा, वो तो हमें, हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी जैसे ही इस पे अपडेट होगा कि ये जो शेयर बेचे गए, अभी टोटल कितने हो गए, ये 8 और 8 16, 16 और 5 हो गए 22 और 25। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स, ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर शेयर्स ये जो बेचे गए हैं। तो 2 लाख ये शेयर खरीदे किसने,
क्योंकि अगर मार्केट देखा जाए तो बेचने के बाद भी चढ़ा तो है, मार्केट ऊपर तो आया आज के दिन में, तो 220 222 तक गया था। प्रमोटर ने कहा सेल किए, देखो 209 215 206 221, ये तो 19 मार्च को किए थे, पर जो कल सेल हुआ है 215 और 209 को, उसके बाद आज शेयर ने हाई लगाया था 222। तो ये किसने खरीदे ये अभी तक अपने पास डेटा आया नहीं है। जैसे डेटा आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। क्योंकि ये जो कंपनी अभी फिलहाल इसमें जो पैटर्न बना, एक पैटर्न देख लो, मैंने एक पैटर्न देखा था इसमें, अभी ये इसे रुक रुक के चल रही, ये इसका जो बॉक्स बना रही है डारवास बॉक्स, उसका ब्रेकआउट आता है। देखो ये एक बॉक्स बना, यहाँ से इसने दिया ब्रेकआउट, फिर ये एक बॉक्स बना, फिर दिया ब्रेकआउट, अभी ये थर्ड बॉक्स फॉर्म होने जा रहा है। देख लो ये जो है ना, ये थर्ड बॉक्स फॉर्म होने जा रहा है। अभी जो भी कैंडल बनेगी ये ऊपर की तरफ बनेगी और 275 तक ये ऊपर में जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट आता है, सेम ये पैटर्न अगर फॉलो होता है, तो ये 275 तक आगे जा सकता है। वहाँ एक रेजिस्टेंस है 275 का, अगर ये चार्ट देखे तो यहाँ पे, पर 275 की तो अब वो मुझे दिख रही, फिलहाल ये शेयर के लिए सब पॉजिटिव न्यूज़ है इसीलिए। तो जैसे इसमें कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको उस प्रकार से मेरे चैनल पे वीडियो डाल के बता दूंगा। और कंपनी के अगर फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है। और फिलहाल तो अगर एक महीने का रिटर्न देखो, एक महीने का रिटर्न 18% है, 3 महीने का 88% है, और एक ईयर का ऑलमोस्ट 400% इसका रिटर्न है। कंपनी तो अच्छी है, सिर्फ ये जो प्रमोटर भी उनका स्टेक सेल कर रहे हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक बात है। पर अगर मैं ये होल्ड नहीं करता हूँ, अगर मैं होल्ड करता तो मैं इसमें से निकल जाता, पर अगर किसी को और रखने की मतलब इच्छा होगी तो 275 तक के टारगेट के लिए आप रख सकते हो। और अगर 275 ब्रेक करता है तो ये 275 के ऊपर फिर तो मतलब, देखो ये जो लेवल है, ये एक लेवल अगर शेयर ने पार कर दा, ये 279 280 का लेवल अगर ये पार कर देता है, तो इसके बाद तो ये मतलब खुले नीले आकाश में जाएगा। ऊपर इसको कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, जब तक ये लेवल पार नहीं होता तब तक ये शेयर में एंट्री मैं तो नहीं लेने वाला हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे, और ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है 1 मार्च से 25 मार्च तक, तो ये रहा अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।